नमस्कार, जेजे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। तीन अध्यादेश की कहानी, और तीन अध्यादेश की कहानी में किसान और सरकार की आपस की लड़ाई है। आपस की लड़ाई की मैं बात करूं, किसान है जो ये सोच रहे हैं, जो लोग सरकार के साथ है, और किसान किनको सोच रहे हैं सरकार के साथ। टोल प्लाजा 100 दिनों से बंद है। वहीं बात करूं बड़े बड़े शोरूम, जिस तरह से रिलायंस के शोरूम है या फिर जियो के जो नेटवर्क है, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, और किसानों का ये कहना है कि ये लोग सरकार के साथ है, उन्हीं का जो किसान है विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से कल की बात करूं, कल किसानों ने रिलायंस के जो शोरूम है उनको चेतावनी दी थी कि आज हम आपको आराम से कह रहे हैं कि अपने ये शोरूम है जो बंद करें, और सरकार का जो समर्थन आप लोग कर रहे हैं उसको करने में पीछे हटें। उसी के चलते कल किसानों ने कल समझाया। तो आज की बात करूं तो आज जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखाऊं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि शोरूम किसानों के द्वारा सुबह बंद करवा दिए गए हैं। पूर्ण रूप से रिलायंस के जो शोरूम हैं वो बंद हो चुके हैं। ज्वेलर्स का, एक तरफ ज्वेलर्स का देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ दिखाऊँ ट्रेंड्स गारमेंट्स का जो शोरूम है वो भी रिलायंस का है, वो भी बंद है। यानी कि किसान और सरकार की आपस की लड़ाई के बीच में है, और उस लड़ाई के बीच में किसान किसको गलत समझ रहे हैं, जिनके बड़े व्यापार हैं और जो लोग सरकार को समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति के लोग हैं, आए दिन है किसान है, सरकार का भी विरोध कर तो रही है, लेकिन जो लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं उनका भी विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े घराने के लोग हैं उनका भी विरोध कर रही है, क्योंकि उनके बड़े बड़े उद्योग हैं, और उद्योग के चलते ही किसानों का कहना है कि ये लोग सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ होने के कारण किसान है जो वो गांव-गांव शहर शहर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं जिस तरह से इनके लाइन्स के शोरूम है या फिर किसी भी तरह के शोरूम है वो बंद करवाने पर तुल रहे हैं, तो वहीं पूर्ण रूप से आपको तस्वीरें देख रहे हो आप कि जिस तरह से किसानों की चेतावनी थी और आज ही शोरूम है जो बंद है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि टोल प्लाजा है, 100 दिनों से बंद है, टोल माफ़ करवा रखा है। अब जिस तरह से उन्होंने ये कारखाने चल रहे हैं या फिर शोरूम चल रहे हैं उनको आज बंद करवाया, अब देखने वाली बात इसमें खास ये रहेगी कि ये कितने दिन तक बंद रहते हैं और कब तक ये कृषि कानून की जो कहानी है लंबी चलती है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, जिस तरह से तस्वीरें आज आपको ये दिखाई, जुड़े आपको दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पर, हर रोज़ आपको नई अपडेट भी देते रहेंगे।